हेलो एवरीवन, स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे नए वीडियो में। वेल गाइस, आज सिखाने वाला हूँ तारक मेहता का चश्मा। जो हमारा स्किन ट्यूटोरियल है ना, उसमें जो अंजलि भाभी है उनका स्किन, तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कलर शेड। ठीक है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। वेल, जो एलेक्स की स्किन है ना, उसमें से बनाऊँगा मैं। तो पूरा वीडियो देखेगा नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब इसको करते हैं फटाफट फिल पूरा, और फिर मैं बनाऊँगा इसको फुल शेडेड। लेकिन पहले थोड़ा सा शेप दे देते हैं अच्छे से। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट कलर में जाके आप लाइट और डार्क शेड इसमें कर सकते हो, और अपने आप आप कोई भी शेड इसमें ऐड कर सकते हो भाई। तो ये बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। और अब मैं पूरा शेडिंग कर दे रहा हूँ। फेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, कोई भी स्किन हो, कोई भी कैरेक्टर का, तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है फेस। ठीक है, और भाई यहाँ पे देखो, ये तो हो गया। अब बारी है जो स्किन कलर है ना, जो फेस है वो बनाने की। तो ब्राउन कलर से हेयर बना सकते हैं वैसे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये सारा शेडिंग और ये बटन्स वगैरह एवरीथिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और इसमें भी आप अलग तरीके के कर सकते हो। तो भाई ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये स्किन एडिटर 3D ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अब बारी है फेस बनाने की। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेस बना रहे हैं। तो भाई इसमें ही पूरा हमको अलग से, जैसे ये देखो एलेक्स का सीन है, तो उसमें जो शेड है ना, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब स्किन फिल कर रहा हूँ, तो हैंड पे दोनों साइड फिल कर देंगे। और यहाँ पे जो है अब हेयर बनाएंगे, तो हेयर की भी मैं बात करूँगा। मैं ब्राउन हेयर्स बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हर जगह पे एकदम सुपर स्किन कलर हो चुका है। नीचे जूते बना देना है, सैंडल टाइप अपने आप, ठीक है। और अब स्किन में भी आप शेड थोड़ा थोड़ा दे सकते हो। ये देखो, ऐसे करके यू कैन गिव सम किंड ऑफ शेड्स। शेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार। अब ब्राउन कलर का हेयर बना रहा हूँ, तो हेयर बनाते समय आपको अब फेस पे खास ध्यान देना गाइस, ठीक है। और जो आई लेवल है ना, उससे उस लेवल पे हमको हेयर्स बनाने हैं, तो ये खास ध्यान देना भाई। और यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बेहतर लगेगा। और आप इसको या तो मैंने राइट में बनाया है, आप इसको लेफ्ट में भी बना सकते हो। जो आगे बाल रखे वो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने राइट पे रखा है। और आईज है ना, ये बना दिया, पूरा स्किन कलर फिल कर रहा हूँ। अरे, एक स्टेप नीचे लेना पड़ेगा भाई आईज को, ठीक है। एक स्टेप नीचे लेता हूँ मैं, और आई को नीचे लेंगे एक स्टेप। उसके बाद मैं बताता हूँ गाइस, रुको, पहले ये आईब्रोज पूरा नॉर्मल कर दूँगा। और अब बारी है, हाँ अब दिख रहा है, अब सही से दिख रहा है। अब ये तो हो गया, और ऊपर ये साइड में भी पूरा फिल कर देना है, तीनों साइड और पीछे। अब फिल कर दिया, पीछे के बाल बना देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है ये जो हेयर है ना। ये एक स्टेप पीछे लेना है यार, ये ज़्यादा बना दिया था मैंने। हाँ, अब सही दिख रहा है, ये एकदम सिंपल है। और अब कलर जो है आपने आगे यूज़ किया, वो कलर सिंपली आपको कॉपी करना है। अब ये सब कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको नहीं पता है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला वाला जो मैंने ट्यूटोरियल दिखाया था, वो ट्यूटोरियल से आपको सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पे भी फिल, स्किन के अंदर फिल कैसे करना है, स्किन के बाहर कैसे करना है। और अब स्किन कलर अप्लाई कर देंगे हम दोनों छोर पे, नीचे बॉर्डर। और ये स्किन कलर अब ले रहा हूँ, और स्किन कलर लेंगे तो, और नीचे जो है सैंडल्स, फिर उसमें भी आप शेड कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। अब साइड की बारी, अब यहाँ पे आप फुल भी लगा सकते हो ऐसे करके, थोड़ा सा प्यारा सा फ्लावर लगेगा। और बाकी फटाक से ये सब फिल कर देंगे, और शेड्स बना देंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, और ये पूरा स्किन है, ये इसको फिल कर देंगे दोनों तरफ। और ये भी हो चुका है फिल हमारा। अभी साइड से भी डिज़ाइन करना बाकी है। यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हो भाई, तो ये भी बढ़िया है, ठीक है। और ये लो, ये साइड से भी हो चुका है हमारा अच्छे से डिज़ाइन, और इधर से भी कर देंगे डिज़ाइन। और ये गाइस हो चुकी है हमारी अंजलि भाभी की जो स्किन है वो रेडी। और इसको सिंपली आप सेव करके एंजॉय कीजिए, ठीक है गाइस। लाइक करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।